बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, पहले हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 सेट के बारे में डिस्कस किया। आज हमारा न्यू यूनिट है यूनिट नंबर 3, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर वो नंबर होता है जिस पे गिवन नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा हो, जैसे कि अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दी हुई है 12। अब उसके फैक्टर्स कौन से होंगे? वो फैक्टर्स जो इसको डिवाइड कर रहे हों वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। तो 12 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी, 4, 6, 12 खुद भी डिवाइड करता है। तो ये सारे 12 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब मल्टीपल्स में आते हैं। मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो टेबल पढ़ने से आते हैं, जैसे कि 4 का मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 का टेबल आ जाएगा। ऑल द नंबर विच आर डिविजिबल बाई एन अंदर नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल्स। ठीक है, दोबारा देखें इसको कि मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर का टेबल पढ़ने से आते हैं। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, राइट ऑल फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है 21। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किया, वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब 21 के फैक्टर देखें कैसे बनाते हैं। 1 के टेबल में भी 21 आता है, 3 7 जार 21, 7 3 जार 21 और 21 1 जार 21। तो ये 1, 3, 7 और 21 ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हम नीचे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू 1, 3, 7, 21। ये सारे 21 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। आपने मल्टीपल्स लिखने हैं, मल्टीपल्स वो होते हैं जो टेबल पढ़ने से आते हैं। अब आपने 5 के लिखने हैं और उसने कहा फर्स्ट 5, यानी कि फर्स्ट 5 आपने सिर्फ मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5, 10, 15, 20 और 25, ये 5 के क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपने प्राइम नंबर्स बताने हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 पर जाते हैं और अपने टेबल पर जाते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल पर नहीं जाते, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। 25 और 60 के दरमियान जितने प्राइम नंबर्स होंगे वो आपने बता देने। तो इसके कौन से हैं? 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 और 59, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं 25 और 60 के दरमियान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि आपने नंबर्स बताने हैं, मल्टीपल्स लिखने हैं जो लेस देन किससे होने चाहिए? 50 से होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखा, यानी कि 3 का टेबल जो किससे लेस देन आ रहा है? 50 से। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 4 लिखा जो किससे लेस देन आ रहा है? 50 से। तो मल्टीपल का मतलब है कि हमने 4 का टेबल लिख देना है और 3 का टेबल लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ऑल कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20। आप सबसे पहले देख लेते हैं हम कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 पे भी जाते हैं, अपने टेबल पे भी जाते हैं या किसी दूसरे टेबल पे भी जाएं, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो उसने कहा है कि आपने कॉम्पोजिट लिखने हैं नंबर जो किससे लेस देन होने चाहिए? 20 से। अब यहाँ पे है 4, 4 देखिए 1 पे भी जाएगा, अपने टेबल पे भी जाएगा और 2 पे दूसरे किसी नंबर पे टेबल पे भी जाएगा। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18, ये सारे वो नंबर्स हैं जो कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15। अभी हमने डिस्कस किया प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किस पर जाते हैं? 1 पर जाते हैं या फिर अपने टेबल पर जाते हैं। तो लेस देन 15, 15 से छोटे होने चाहिए, तो ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर्स हैं जो 15 से छोटे हैं। अच्छा, तो बच्चों आज हमने पढ़ा यूनिट नंबर 3, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने ये एक्सरसाइज डिस्कस की, प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।